लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के दोषी हैं। अभी मेहर उजाला में हमारे बाराबंकी में अभी एक लड़के ने लड़की के साथ आया था, आत्महत्या कर ली, लड़की कुछ नहीं हुआ। अभी अगर लड़की मर गई होती तो पूरा खानदान बंद कर दिया गया होता। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो चीजें हो रही हैं समाज में, ये बहुत बड़ा पतन है। और मैं अपनी अपने समाज से कहना चाहूंगा कि अब वो दिन ना आने दें कि लड़की पैदा होते हुए मार दी जाए या सती प्रथा दोबारा लागू कर दी जाए। अब मैं उन लड़कों को, निर्दोष लड़के हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, उनको छोड़ा जाए। वरना अगर वो मान लिया जांच में निर्दोष पाए जाए है, तो ये उनकी जो जवानी के दिन जेल में बीतेंगे, उनको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ जो कुछ गुजर रहा होगा निर्दोष लड़कों के साथ में जेल के अंदर, तो ये दिन कौन वापस करेगा? इनकी जवानी कौन वापस करेगा? इनको कंपनसेशन कौन देगा? इनको मुआवजा कौन देगा? और मैं माननीय योगी जी से फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि इनको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलनी चाहिए। अगर घोषणा भी की